23 तारीख ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती है वो मना रहे जा रहे हैं यहाँ पे। कम से कम 15,000 लोगों की गैदरिंग करेंगे, बहुत बड़े लेवल का। आज तो हम मन्ने भी नहीं पता था भी इतने आ जाएंगे अपने सारे। वहाँ चलो ठीक ठाक आ जाएंगे, तो सारे इंटरेस्टेड हैं। ये देखो आप भी, सारे के सारे जितने हमारे सरपंच हैं, पंच हैं या मेम्बर हैं, सारे इंटरेस्टेड हैं, ताकि हम उन लोगों ने जागरूक कराएं एक साइबर ठगी को लेकर। गाने के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से उन्हें जागरूक कराएंगे। जब हम बचेंगे फिर दूसरा ना बचावांगे। जे आप फंस गए ठगी का जाल में फिर दूसरा तो फंसेगा भी। ओटीपी नहीं बताना किसी को, साइट एंगल चेक करनी, आपने वेरीफाई कर लिया करो। थाना में आओगे फिर भी मैं मैन्यू कहूँगे जी 1930 पे कॉल करो। जब पहले सचेत हो हमारे साथ नहीं ठगी हुई, हम सचेत हो रहे हैं। आपके साथ ठगी तब होती है जब आप लालच में आते हो। हमारे एक सिस्टम है, हम लालची हैं भी, हमारा समाज एक लालच के सिस्टम में है। लालच छोड़ देंगे, अब कोई आदमी नहीं हुआ 10,000 की लैटरी लिख की ताऊ 1,000 रुपये डालने पड़ेंगे। ताऊ ने कहा यार बेरोजगारी पहले है, 10,000 रुपये की लैटरी लग गई, 1,000 रुपये डाल दे। मैं डल के मैं 1,000 भी गए है नी। तो बड़े लेवल पे है एक साइबर ठग। साइबर ठगों का एक बहुत बड़ा लेवल है जो अपने अपने तो पता ही नहीं, अपने तक बातें नहीं आती। मैं इतने बड़े लेवल पे अभी थोड़ी देर पहले बता भी 1 रुपया घट गया ना, आप बोलो ना मैं बोलूँ ना शिकायता है। और उस आदमी ने 1 करोड़ लोगों के साथ ठगी कर ली, 1 करोड़ रुपया उसने बन गया, करोड़पति बन गया। 5-5, 7-7 हज़ार हम पढ़े लिखे हैं सारे, 5-7 हज़ार रुपया ने तो पूछ दे नहीं, क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया। टाइम है नहीं किसी के पास भी, टाइम है ही नहीं। अगर रोज डेली 5-5, 7-7 हज़ार की ठगी होने लगी तो निबट लिया काम सारा, रह गए हम तो पीछे। अब जब तक ये पढ़ी लिखी पंचायत का यही बेनिफिट है, ऑनलाइन चलावांगे सारा सिस्टम ने, ऑनलाइन होगा, जो अपराधी हैं वो बच के नहीं जान देवांगे। आज सरपंच नहीं कहूँगा मैं तो, इनके गांव के एमएलए हैं, पूरी एक गांव की कैबिनेट है। इनको हमने रूबरू करने के लिए इसलिए बुलाया था ताकि हम जो साइबर ठगी का अभियान चलाए हुए हैं, हमारे जो SP महोदय हैं श्री मकसूद अहमद जी, उन्होंने सख्त दिशा निर्देश दे रखे हैं कि हम धरातल पे काम करें और जन जन को साइबर ठगी से बचाएं। हमारे लगातार अभियान पहले भी चले हैं, आगे भी चलते रहेंगे। ये एक नई कैबिनेट बनी है, इनको सभी को एक बधाई दी है, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, बिल्कुल शांतिपूर्वक इलेक्शन करवाए हैं, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होने दिया। सभी जितनी हमारे 16 गांव हैं, 17 पंचायतें हैं, वो सभी यहां आए हुए हैं, पंच और सरपंच मेंबर वो सभी बुलाए हैं। इनके मान सम्मान के लिए ही हमने एक टी पार्टी का आयोजन किया है और साइबर ठगी के लिए इनको बताया है भाई, जितने गाँव के अंदर एक मुहिम चलाएँगे हम बड़े लेवल पर, ताकि जन जन बच्चा बच्चा साइबर ठगी से बचे और अच्छा काम करे। साइबर ठगी से किसी को OTP नहीं बताना, किसी को OTP नहीं शेयर करना, कोई गलत साइटें हैं वो नहीं आपने चेक करनी, वो यूज नहीं करना उनका। उसके बाद जो अभी इलेक्ट्रिसिटी के मैसेज आने लग रहे हैं फोनों पे भी, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भरें, तो उन चीज़ों को पहले वेरीफाई करो। अगर कोई भी ऑनलाइन सिस्टम करते हो आप या कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, पहले वेरीफाई करो उन चीज़ों को। जब तक हम चीज़ वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक हम साइबर ठगी से नहीं बच पाएंगे। भी बाई चांस साइबर ठगी हो जाती है तो 1930 नंबर पर कॉल करें, ताकि आपकी जो ट्रांजैक्शन हुई है, फ्रॉड आप लोगों के साथ हुआ है, आप लोगों के माध्यम से ये बताऊँगा कि उस पर रोक तब लगेगी जब 1930 नंबर पर कॉल करोगे। हमारे पास जो आता है हम पूरी सुविधा देते हैं, हमने अपने गाड़ियों पर माइक लगा रखे हैं, स्कूलों में अभियान चला हुआ है, जन जन तक एक आवाज़ चली गई भी साइबर ठगी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, उससे बचने के लिए आप हमें सहयोग करें, हमारा सहयोग लें। नशे के लिए सबको मैसेज करें भी, अपने गांव में जितने भी खुर्दे हैं उनको बंद कराओ, मेरी कहीं हेल्प चाहिए, मैं 24 घंटे आप लोगों के लिए यहीं सोता हूँ, मैं यहीं मिलूँगा। फोन अलाउड है, जब मर्जी कॉल करो, आप लोगों के लिए जान भी हाजिर है, पर हम चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से थोड़ा सा आप पुलिस का सहयोग कर दो, फिर उसका रिजल्ट देखना आप क्या होगा। डायल 112 का आप चल रही है, बहुत बढ़िया आउटपुट आन लग रही है, पर कुछ लोगों को नहीं पता उसके बारे में, हम उनको ही बताते हैं भी पुलिस का यूज करो आप, तो उसके लिए पता चले आपको। कोई टाइमिंग है सर उसके लिए या कई बार जैसे? कोई टाइमिंग नहीं है, पुलिस आप लोगों के लिए बनी है, पुलिस को हम नौकर हैं आप लोगों के लिए, तनख्वाह आप लोग देते हैं हमें, आप जो टैक्स पे करते हो उससे हमारी तनख्वाह चलती है, हम 24 घंटे आपकी सेवा में हैं, आप हमारा यूज करके देखो, हमारा पता चलेगा आप लोगों को भी हमने क्या सिस्टम अपनाया है।
सर आने वाले दिन में ऐसी मीटिंग और भी देखी जाएंगी। आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं हम, साइबर ठगी को लेकर इतनी बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं। हमारा एक मकसद है, हमारे जो 16-17 गांव हैं वो स्वच्छ हों, आदर्श हों, उसके अंदर शांति बनी रहे और कोई भी क्रिमिनल क्राइम ना कर पाए वहाँ। कैमरे के लिए है, कैमरे के लिए इनको बोला भी पूरी पंचायत के अंदर, पूरे गांव के अंदर कैमरे लगे हों ताकि अपराधी बच ना जा सके।